कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर ने भारत में सबसे ज्यादा असर डाला है और शहरों के साथ ही अब गांव में भी लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इसके चलते कई लोग वायरस को भगाने के लिए तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं। कुछ ऐसा ही अजीबोगरीब मामला गुजरात से आया है। गुजरात में कुछ लोग गौशाला में जाकर अपने शरीर पर गाय के गोबर को मल रहे हैं और गाय के पेशाब का सेवन भी कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है और कोरोना वायरस होने की हालत में वे सब इस खतरनाक वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि गौशाला में कई डॉक्टर भी आते हैं और उनका भी मानना है कि गाय के गोबर और मूत्र से इम्यूनिटी बेहतर होती है और वे इसके बाद कोविड के मरीजों का इलाज बिना किसी डर के कर पाते हैं। यहाँ आए कई लोगों ने दावा किया है कि वो पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन इसी तकनीक के सहारे वो इस खतरनाक वायरस को मात देने में कामयाब रहे थे। ये लोग गौशाला में जाकर गायों को गले लगाने के बाद अपने शरीर पर गाय का गोबर लगाते हैं और फिर योगा करते हैं। हालांकि भारत के कई डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लगातार कोरोना की मनगढ़ंत ट्रीटमेंट को लेकर चेतावनी जारी करते रहे हैं। इन डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि इससे लोगों की परेशानियां कहीं अधिक जटिल हो सकती हैं। इस मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर जे जयलाल ने कहा कि इस बात के कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि गाय के गोबर या गाय के मूत्र से कोरोना के खिलाफ जंग में इम्यूनिटी बेहतर की जा सकती है। ये पूरी तरह से आस्था पर आधारित है, लेकिन ये साफ है कि इससे चीजें जटिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि गाय के गोबर को खाने से जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसा करने के साथ ही कोरोना के संक्रमण का भी खतरा काफी बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर गाय के मूत्र और गोबर की थेरेपी को लेने के लिए कई सारे लोग एक साथ पहुंचते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हालात बिगड़ने लगते हैं। बता दें कि भारत में कोरोना के चलते अब तक 2,46,000 मौतें हो चुकी हैं। वहीं कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ये आंकड़ा 5 गुना ज्यादा भी हो सकता है।